बांग्लादेश जिस देश का निर्माण डेवलप्ड के राजनीति के नाम पर हुआ था, जिस देश ने एक समय ऐसा इस्लामी कट्टरवाद झेला कि इनको पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनना पड़ा, अब यही देश दोस्तों उसी इस्लामिक कट्टरवाद की राह पे चलकर अपनी जीडीपी अपनी इकोनॉमी को चौपट करने पे तुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हैरान कर देने वाला मामला बांग्लादेश से सामने आया है कि बांग्लादेश जिसको दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी कहा गया, वही देश आज की डेट में IMF से लोन मांगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से दोस्तों वही देश लोन मांगते हैं जो कि बिल्कुल कोलैप्स के कगार पे चले गए हों। दोस्तों आमतौर पे एक्सपर्ट्स का मांगना है कि हर देश लोन लेता है, लेकिन अगर कोई देश डायरेक्ट IMF से लोन ले तो समझ लीजिएगा उस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों में सबसे पहले पाकिस्तान ने IMF से लोन मांगा और अभी श्रीलंका मांग रहा है, और एशिया का यह तीसरा देश बांग्लादेश है जो कि लोन मांग रहा है। वैसे बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की करंट टाइम में जो टोटल GDP है वो 416 डॉलर्स की है। बांग्लादेश की जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये 42 बिलियन डॉलर्स के नीचे जा चुकी है। अब 42 बिलियन डॉलर्स का मैं आपको महत्व समझाता हूं। बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 महीने का इस समय खर्चा बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल हमें देखने को मिला था श्रीलंका में, जिसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश समय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से गुहार लगा रहा है कि हमें 4.5 बिलियन डॉलर तक का कर्ज चाहिए। यहां पे सवाल ये है कि ये कर्ज इन्हें क्यों चाहिए। दरअसल दोस्तों इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो दुनिया में बढ़ती ही महंगाई है। दोस्तों बता दूं, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि दुनिया भर से चीजों को इंपोर्ट करता है अपने देश में, चाहे वो तेल हो, राशन हो, गेहूं हो, वो हर एक चीजों को इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के कारण इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत तेजी से गिरा। अगर मैं आपको एक अनुमान बताऊं तो दोस्तों इस साल जुलाई में जो यहां पर बांग्लादेश को घाटा हुआ है इनके फॉरेक्स रिजर्व में, वो 17.2 बिलियन डॉलर्स का है। वहीं अगर मैं इसे पिछले साल का से कंपेयर करता हूं तो वो सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर्स था। अब आप समझ सकते हो 5-6 गुना के रेट से यहाँ पे इनका घाटा हुआ है। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अब बांग्लादेश है ये भारत से मदद मांग रहा है पैसे के लिए और अन्य देशों से मुहिल कर रहा है कि वो उन्हें पैसे दे दें। अब बांग्लादेश के यूरोप के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है तो वहाँ से मिलना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने भारत से मदद मांगा है तो भारत इन्हें इतने पैसे दे पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने जो ये पैसा IMF से मांगा है ये एक सवाल है, विषय है, मुद्दे का कि आखिर IMF तक जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी इस देश को। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तभी पैसे देता है जब आपकी देश की इकोनॉमी बिल्कुल तरीके से चौपट होने वाली हो तो। दोस्तों खबर थी द न्यूज़ नेक्स्ट के हवाले से, और बेसिक खबरों बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल द न्यूज़ नेक्स्ट को। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।